हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ये आलू की कचौरी की बहुत ही ज़बरदस्त एकदम नए तरीके से बनने वाली ये आलू की कचौरी की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार ज़रूर बनाकर इस रमज़ान में इफ्तार पे अपनों के लिए और अपने लिए बनाकर खाइए, बहुत ही सबको पसंद आने वाली है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक कप गेहूँ का आटा लिया है, थोड़ा सा यहाँ अजवाइन लिया है और साथ में ही आधी छोटी चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेगा। 1 टेबल स्पून चावल का आटा डालना है, सबको अच्छे से मिला लेना है और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं, आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही, और थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है हमें। यहाँ पे हमने एक बड़ा आलू लिया है जिसको बॉईल कर लिया है, 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, साथ में नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है, बस सबको अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पर आटा जो है करीब 10 मिनट पहले हमने मिलाकर रख दिया है और अब ये आलू में ये सारी चीज़ों को से मिला लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है हमें और इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसको रोटी जैसा बेल लेना है। छोटा छोटा पूड़ी के शेप में इसको हम बेल लेंगे और इस तरह से जितना भी आप जितनी भी बनाना चाहते हैं ये आलू की कचौरी, सारी जो भी आप पूड़ियों का साइज़ का इसको बेल लीजिए और उसके बाद ये जो हमने आलू का मिक्सचर बनाकर तैयार किया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा हम इसमें रख देंगे। यकीन मानो बहुत टेस्टी आपकी कचौरी बनकर तैयार होंगी। और उसके बाद आप कोई भी शेप देना चाहें उस तरह से फोल्ड करके और इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस कर देना है और इस तरह से हमने यहाँ पर गोल बनाया है और बस गर्मा गर्म ऑयल में इसको हम फ्राई कर लेंगे। यकीन मानो जब आप इसको बनाकर जिसको भी खिलाएंगे सब बेहद तारीफ़ करेंगे। और ये कचौरी आप धीरे धीरे से इसको पलट दीजिए आराम से, जिससे कि ये फट ना जाए, इसका जो आलू है उसके अंदर ऑयल नहीं पहुँचे। अगर ये फट जाएंगे तो ये फूलेंगी नहीं और दूसरा इसका टेस्ट भी एकदम बेकार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए बहुत आसान आराम से इसको पलटना है और ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। पहले आप इसको धीमी धीमी आंच में सेकिएगा करीब 3 से 4 मिनट के लिए और उसके बाद बाकी का टाइम हाई फ्लेम पे, जब तक कलर अच्छे से नहीं आ जाता तब तक आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।